विनम्र और सादर निवेदन करता हूँ कि जैसा कि आप सब देख रहे हो कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बट जैसा संकेत मिल रहा है कि सभी जिला मुख्यालयों पर, राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय उपखंड स्तर पे, राजस्थान में इतना बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए कि राजस्थान सरकार को लगना चाहिए क्या कानून में जो जू बैठी है वो हिलनी चाहिए, कि राजस्थान का 6 लाख जो युवा है वो ये चाहता है कि एग्जाम तिथि पोस्टपोन करो, चाहे इसके लिए राज्य सरकार को कुछ भी करना पड़े। और मैं एक फिर से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करूंगा कि हम लोग लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, बट आपको कल कम से कम 11 से 1 बजे के बीच में जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पे लोग निकल के अपने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दो। सिर्फ 2 घंटे मांग रहे हैं, ठीक है आप लोग नहीं आए कोई बात नहीं है, बट अगर आपने कल कुछ भी नहीं किया तो इसके जिम्मेदार स्वयं 6 लाख अभ्यर्थी होंगे। कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, कोई आरपीएससी चेयरमैन जिम्मेदार नहीं है। जब आप लोग ये चाहते हो 99% लोग के एग्जाम आगे हो, तो क्यों ने 2 घंटे निकाल के आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आपको करना पड़ेगा, आपको जिनकी सुगन लगे उनकी सुगन है, क्योंकि मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूँ कि एग्जाम अगर अपन कल सब 2 घंटे लगा देंगे, एग्जाम तिथि पोस्टपोन हो जाएगी, किसी भी कीमत पर सरकार एग्जाम नहीं करवा सकती। और शिक्षा मंत्री महोदय के कल घर पे भी बहुत बड़ा धरने का आयोजन किया जा रहा है, सब व्यवस्थाएं हो रही है, बट आपसे एक ही निवेदन है, कल नहीं निकले ना तो आप हमेशा के लिए ये मान लेना कि इस प्रदेश में, राजस्थान में कभी अपने लिए मैं ही नहीं कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। फिर हमेशा यही कहना, हमारे देश की राजनीति ऐसी है, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है, हमारा राष्ट्रपति ऐसा है, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम हैं। जान अपन सबको देते हैं, करने कोई नहीं आता है, इसलिए एक ही बात है, 2 घंटे मात्र 2 घंटे 11 से 1 निकल के शांतिपूर्ण सांकेतिक रूप से अपने को प्रदर्शन करना है, ज्ञापन देना है। जय हिंद, जय भारत।